अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। कैसे हैं भाई आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत होंगे। भाई छत पे मैं आज सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर चुका हूँ और आप जो है मेरे हाथ में जो है चपरासी खाना देख रहे होंगे यार। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज आप लोग बोलोगे क्या यार सुबह सुबह पढ़ रहा है मनोज। जो है ना आज जो है ना मेरा बोर्ड का फर्स्ट पेपर है और वो भी मैट्रिक का। मेरी तो फटी पड़ी हुई अंदर से फुल ज्यादा और मुझे कद्दू कुछ नहीं आता। पूछा मैंने कुछ। और बाकी जो है ना घर वाले अभी ना थोड़ा बहुत अभी 7 बज रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं घर वालों को कहने पर ताकि उनको भी लगे हमारा बच्चा कुछ पढ़ के जा रहा है यार। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे अपने सेंटर। और सेंटर भी माशाल्लाह इतना कदीम पुराना सेंटर पड़ा है और कराची का मानना जाना वाला सबसे मुश्किल स्कूल पड़ा है उस्मान पब्लिक। और वैसे मेरी हटी भी पड़ी हुई फटी भी पड़ी हुई। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। नाश्ता नुश्ता करते हैं, थोड़ा पढ़ते छढ़ते हैं और व्लॉग थोड़ा सा ना मैं ये करूँगा सीन कि आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ जाके दिखा दूँगा। ये कॉपी भी अपने साथ मैं लाया हूँ एक, ये देखें कॉपी शॉपी लाया हूँ। तीन चार दिन पहले आप लोगों को पता है मेरी क्या हरकतें थी, मैं क्या क्या कर रहा था। यहाँ ही बैठा हुआ था मैं और कॉपियाँ हवा से बंद कर रहा था, ये तो मेरी हरकतें थी। तो यार खैर है यार, जिस चीज़ का फायदा नहीं होता वो चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है। चलिए पढ़ते हैं यार, पढ़ रहा हूँ मैं जल्दी से। बस ये देखो ये चेक करो सारे मेरे सवाल जो हैं, जो इसमें तो मुझे कद्दू कुछ नहीं आता वो मैं याद कर रहा हूँ अभी। अरे यार क्या करूँ यार, मैं नहीं मुझे याद होता, क्यों नहीं स्कूल वाले समझते यार। गुस्सा आता है मुझे यार बहुत ज़्यादा हो गया। तो यार फाइनली जो है ना आपके भाई को 1 घंटा हो चुका है पढ़ते हुए। फुल जो है ना आपके भाई ने रट वट लिया, आगे आगे भी सारी मुझे याद हो गया, मतलब थोड़ा बहुत याद हो गया। तो जो मुझे याद था वो मैंने रिवाइज कर लिया है और मुंह पे धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा। 7 बजे मैं ऊपर आके ब्लॉग शुरू किया था और अभी 8 बज रहे हैं। जल्दी से नीचे चलते हैं, नाश्ता वाश्ता भी करते हैं, थोड़ा बहुत और काम वाम वो करते हैं। 9:30 बजे हमारा पेपर शुरू हो जाएगा तो हमने उससे पहले जाना है। फाइनली आपका भाई तैयार, शादी देखो हो चुका है, बाल वाल बस थोड़े बहुत बनाने हैं। और ये देखें मैंने सारे के यूनिफॉर्म भी पहन लिए, लेकिन यार एक रोला हो गया है। रोला ये हुआ है कि जो है ना मेरा बेल्ट घूम गया है तो पैंट बिल्कुल नीचे हो गई है। तो बेल्ट ही ढूंढ रहे हैं, देखो सारा सामान वामान मैंने फैलाया हुआ है। जल्दी से उतनी देर में मैं नाश्ता करता हूँ, मम्मा मेरा बेल्ट ढूंढ रही हैं। और बाकी देखो आपके भाई को तैयारी श्यारी भी थोड़ी बहुत हो गई है, जल्दी से नाश्ता करते हैं आ जाए। ये चेक फाइनली नाश्ता वाश्ता करते हैं। ये चेक करो भाई आपके भाई का नाश्ता आ गया है, छेती छेती नाश्ता करते हैं के बाद पहुँचते हैं अपने सेंटर। फाइनली मैं जो है ना स्कूल से आ चुका हूँ, अभी आया हूँ बिल्कुल। और जो है ना मैं वहाँ का सेंटर इतना सही दिखा नहीं सका, वैसे तो नाम तो आपने पढ़ लिया होगा उस्मान पब्लिक स्कूल का। और बाकी बाल जो आप लोग देख रहे हैं यार मेरे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जी जाहिल लग रहा हूँ मैं। तो ये भी जल्दी से कटवाता हूँ बाल वाल, और यूनिफॉर्म ऐसे ही पहन के चलते हैं। बाल कटवा के आके फिर नहा धो के फिर कुछ करते हैं। हाँ यार अभी मैं बाल वाल नहीं कटवाया, अभी कटवा रहा हूँ, बस कटवाने लगा हूँ। देखो बिफोर देख लो, अभी ये देखो कितने बड़े बड़े बाल हैं। आफ्टर देखना बिल्कुल छोटे बड़े करा लूँगा, मतलब ऊपर से थोड़े होंगे बड़े, यहाँ से वहाँ से छोटे हो जाएंगे। अभी कटवाने लगा हूँ जल्दी से। और ये देखो नाई की दुकान है हमारे। यार फाइनली आपके भाई ने बाल बाल कटवा लिए, यहाँ देखो फुल पप्पू बच्चा बन गया है। और अभी जो है ना मैं रोटियाँ लेने जा रहा हूँ, रोटियाँ लेकर सीधा घर जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, नहाता हूँ, सारा काम वाम करता हूँ। अभी जल्दी रोटियाँ लेने चलते हैं, आ जाएँ। अभी रात हो गई है, मैं नहावा के फारिग हो गया था। और देखें बालों का डिज़ाइन मेरा देख लो, यहाँ से मैंने साइड से छोटे करा लिए और यहाँ से मुड़ी भी इतना पूछे अदीब से आई थी वो भी सही करा ली। खैर उसके बाद बड़ा मैं फ्रेश हो गया, हवा लग रही थी सर पे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर अभी रात के जो है ना कुछ 9:15 बज रहे हैं, मैंने ब्लॉग बहुत देर रोक दिया था क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ने लग गया था और बीच में कुछ काम वाम आ गया था और मेरी हिम्मत भी नहीं होती टांग की ना मेरी इस जगह की। देखें ये है ना, ये इस जगह की जो है ना नस चढ़ गई, मतलब ये कमर से थोड़ी नीचे लगा थी तो नस चढ़ गई थी, बड़ा दर्द हो रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर अभी मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया है, अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ एक सामान लेने, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। पहले चलते हैं आज अंडे वाला बर्गर लेने जा रहे हैं तो वही लेने चलते हैं। अभी मैं पार्क में रुका हूँ जहाँ मैं जॉगिंग करता था,
ये देखें ये वो पार्क है, अभी तो यहाँ लाइट गई है, अंधेरा हो रहा है। सर यहीं से ही चलते हैं, आ जाए जल्दी से चलते हैं बर्गर लेने, बस आगे ये दुकान आ जाए चलते हैं। ये देखो ये चेक करो, फाइनली बर्गर वर्गर तैयार हो रहे हैं हमारे। ये देखें ये रे हो जाता है तो दिखाता हूँ आपको। बर्गर वर्गर हमारा आ चुका है, उसकी क्वांटिटी भी चेक करो। ये चेक करो भाई, ये बर्गर वर्गर खा लिया है, बड़ा टेस्टी बर्गर था और जो है ना सस्ता भी था और टेस्टी भी था, अच्छा भी था बड़ा। एक दो दिन में जो है ना मैं अपनी वो जो जॉगिंग करता था ना मैं पहले, वो भी दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं मोटा मोटा हो रहा हूँ। इसी के साथ ही वाला ब्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर देगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब लागे ठो देगा और कमेंट में बताएगा मेरी बालों की कटिंग कैसी लग रही है। सो बाय।